रुक जाओ जिया, क्यों जल्दबाजी मत करो। बाबा, मैं जो कुछ कर रही हूँ सोच समझ कर कर रही हूँ। अगर ये तुम्हारी समझ है तो तरस आता है तुम्हारी समझ पर। बाबा प्लीज, आप कुछ मत कहिए, वरना आपकी बातों से मेरा इरादा कमजोर हो जाएगा। इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर ये रिश्ता इतनी सी भी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो शायद इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। क्यों जिया? हाँ अक्षु, तुमने मुझे एक बार कहा था, अपने या तुम्हारे परिवार में से किसी एक परिवार को चुन लो, तो मैं आज अपना परिवार चुन लू। शो, ये अंगूठी क्यों छोड़े जा रहे हो? क्योंकि रिश्ते दिल से बनते हैं और टूटते भी दिल से ही हैं, और जब सब कुछ दिल से ही खत्म होना है तो ये तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिया, मेरा दिल अब भी कहता है कि दिल के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते और ना ही टूटेंगे। जश्न मनाने का मन कर रहा है कि ऐसी ग्रैंड पार्टी दूं कि पूरा शहर देखता रह जाए, पर मजबूरी है कि हम पार्टी कर नहीं सकते। भैया, अभी तो जिया भाभी ने रिश्ता तोड़ा है, लेकिन हर्ष तो अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया। हर्ष तो तुम्हारे पास आएगा ही, आज नहीं तो कल हर्ष को तुम्हारे पास आना ही होगा। पुलिस वेट कर रही है कि जैसे ही छवि ठीक हो जाए पुलिस उसको अरेस्ट कर ले। उसके अरेस्ट होते ही हर्ष के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और कुछ नहीं तो छवि को बचाने के लिए तो तुम्हारे पास आएगा ही ना वो। I'm so thrilled. आखिर हमने अपने गोल को अचीव कर लिया। भैया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। शोम, तुम कुछ और सच मानते हो और मैं कुछ और, हम दोनों के सच अलग अलग हैं। बेहतर यही होगा कि हम अपना रिश्ता तोड़ दें और मैं अपने पूरे होश में इस रिश्ते को तोड़ लूं। अगर ये रिश्ता इतनी सी भी टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता तो शायद इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। रिश्ते दिल से बनते हैं और टूटते भी दिल से ही हैं। कहीं ये अंगूठी जिया को कमजोर तो नहीं बना रही? बेटर होगा कि इस अंगूठी के साथ साथ शोम की सारी निशानियां जिया की जिंदगी से दूर कर दी जाए। जल्द से जल्द। जिया, क्या हुआ शेखर, कोई काम था क्या? मैं तुमसे बात करने आया था। जिया, जो फैसला तुमने लिया वो फैसला कोई और नहीं ले सकता था, मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम दिल से ही रिश्ता नहीं चाहती? क्यों, तुम्हें कोई शक है? इसलिए जिया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो तुम्हारे कमरे की खामोशी से मुझे तुम्हारे आंसुओं का एहसास हो। इंसान तभी रोता है, आंसू तभी बहते हैं जब या तो इंसान का दिल टूटा हो या उसे अपने फैसले पर पछतावा। शेखर, मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। जिया, अगर ये बात है तो फिर तुम्हें शोम की यादों से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए, और यह करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता जो तुमने मेरी यादों से छुटकारा पाने के लिए इख्तियार किया था।
जी हाँ, मुझे भी लगता है कि जो रिश्ते बन नहीं सकते उन्हें तोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। बात तुम्हारी सही है शेख। कौन? कौन शुम? हाँ, लेकिन जो इतनी आसानी से टूट जाए वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते। और मैं जिया से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अगर तुम हमें तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो जो जिया चाहती। जिया ने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है शेखर, लेकिन वो अभी तक टूटा नहीं है क्योंकि मैंने उसे थाम रखा है। और अगर मेरी मंगेतर को मुझसे लड़ने और रूठने का हक है तो क्या मुझे उसे मनाने का अधिकार नहीं है? जिया, तुमने कितनी आसानी से सोच लिया, ये फैसला कर लिया कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। शोम, ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, पर मैं क्या करूँ? मैं किसी ऐसे इंसान से रिश्ता कैसे रख सकती हूँ जो अपनी बहन की खुशी के लिए किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दे। घर टूटने का दर्द मैं जानती हूँ शोम, बहुत दर्द होता, इसलिए मैं जब भी छवि से मिलती तो मुझे हमेशा ये बात याद आती कि कुछ तो गलत हुआ है जिसे मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जिया, पता है? तुम हमेशा ये सोचती हो कि तुम जिसका साथ दे रही हो वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो, लेकिन उससे पहले सच्चाई को सामने लाने में मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? राकेश, वही है ना इस फसाद की जड़, हमें उसे ढूंढना होगा। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? शायद वही इस बात से पर्दा उठा सकता है। बच्चे जब अपनी गलतियां जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तब ज्यादा तकलीफ होती है, पर आप चिंता ना करें, अगर हर्ष ने अपनी मनमानी की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। ऐसा करने से क्या हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी? नहीं भाई साहब, हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद होनी है सो हो रही। बहन जी, इतनी जल्दी हिम्मत आने की जरूरत नहीं है, रिश्ता हमने तय किया था, बच्चे कौन होते उसे तोड़ने वाले। मैं आज शाम को ही हर्ष को लेकर दोबारा यहां आता हूं, अगर हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है तो उसको भी बेटे होने का कर्ज चुकाना होगा। कर्ज वही लोग चुकाते हैं तिवारी जी, जो फर्ज को मानते हैं, और हर्ष अपने सारे फर्ज भूल चुका है। भगवान जाने इस संकट से कैसे छुटकारा मिलेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सबके सामने अपनी गलती कबूल करो। कौन सी गलती? देखिए, इनको कोई गलत फहमी हो रही है, मैंने कोई पैसों का गबन नहीं किया। शट अप, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, सच सच बता वो बच्चा किसका है? वो हर्ष का होगा, उसके पति है तो जाहिर सी बात है कि। राकेश, चुपचाप सच्चाई कबूल करो कि ये बच्चा तुम्हारा है, वरना जबरदस्ती है क्या? और आप लोग, ये आपकी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है और आप लोग चुपचाप स्टैचू की तरह खड़े होकर देख रहे हैं, और तुम कैसे कुछ नहीं कह रही? इतना गंदा इल्जाम तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो? ड्रामा बंद कर राकेश, बंद कर। एक्सक्यूज मी, हाँ अब समझ में आया। क्या समझ में आया? ये कि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था तो मुझे लगा था कि वो मुझे हेरा फेरी के लिए अरेस्ट कर रही है, लेकिन अब मामला बिल्कुल क्लियर, मैटर एकदम क्लियर। एक काम करते हैं,
हम इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं किसी भी टेस्ट की। व्हाई? क्योंकि मैं जानता हूं ये बच्चा तेरा है, तो प्रूव हो जाने दो ना। प्रॉब्लम क्या है? और मिस्टर शो एंड जिया, इस मामले में मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। और हां, अगर तुमको सच्चाई जाननी है तो कह दो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार। क्या है सच्चाई? ये कि जब मैंने हर्ष को छवि के साथ इन्वॉल्व होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनको टोका, बहुत बार टोका कि सर आप ये जो कुछ करें गलत कर रहे हैं। आप शादीशुदा है, एक सुंदर सुशील बीवी है आपकी, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं आप। तो बताएं इन्होंने मुझे क्या कहा? इन्होंने कहा कि राकेश तुम भी अरुषि से प्यार करते हो ना, तो जाओ अरुषि तुम्हारी है, जो चाहे कर लो उसके साथ। ये सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरुषि शादीशुदा है। हाँ ये सच है कि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अब तो उसकी तरफ देखना भी मेरे लिए गुनाह है, मैं ही नहीं कर सकता। मैंने बहुत कहा सर को, लेकिन सर राकेश छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बाबा ये बकवास कर रहा है, ही इज अ ब्लडी लायर। तो डीएनए टेस्ट हो जाने दो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं भी डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार, अगर एक यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। हर्षा बोलो क्या कहते हो तुम? शोम तुम्हारी बोलती क्यों बंद होगी? सामना करो सच्चाई का, बोलो डीएनए टेस्ट करवा दे। इनफ, टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन हो गया है ये बच्चा तिवारी खानदान का वारिस है और मेरा बेटा भटक गया है। ज्ञान भाई साहब हम कल वापिस आएंगे और अपनी बहू को पूरे रीति रिवाज के साथ अपने घर ले जाएंगे। जी आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हर्ष गलत नहीं है। एनीवेज अब तो सच्चाई सामने आई गई है। क्यों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। आरुषि अगर गलत होती तो डीएनए टेस्ट के लिए तैयार ही क्यों होती? क्यों, मैं यहाँ छवि को देखने आई। देखो छवि, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, ये भी मत समझना कि मैंने सिर्फ अपने परिवार का साथ दिया है। मैंने किसी भी इंसान का साथ नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया था, और सच्चाई क्या है ये तो अब सबके सामने आ गई है। सबको ऐसा ही लग रहा है। मतलब मैं आज भी यही मानती हूँ कि हर्ष छूटे नहीं है। जब राकेश और आरुषि दोनों डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं तो और कौन सा सच रहेगा? सच तो सामने आया ही नहीं भैया। आप लोग उस डीएनए टेस्ट से सैटिस्फाइड हो गए, लेकिन टेस्ट तो हुआ ही नहीं। भैया आप अपनी कही हुई बात भूल रहे हैं, जब चोर चोरी करता है तो वो ही सबसे ज्यादा चिल्लाता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। और जिया, हर्ष को तुम पे बहुत भरोसा था, वो मुझसे हमेशा कहता था कि छवि उस घर में एक जिया भाभी है जो मुझ पर बहुत विश्वास करती है, लेकिन तुमने
तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया। इस बार सच जो भी सामने आया हो, लेकिन तुमने सच का साथ नहीं दिया और मेरा ये विश्वास है कि सच जब भी सामने आएगा, तुम लोग के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे काम के पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे मतलब क्या? पैसे पहुंच जाने चाहिए थे। देखो इस वक्त मेरा घर से निकलना मुश्किल होगा। तो कोई बात नहीं, मैं खुद आ जाता हूँ लेने के लिए। क्या? वो क्या है ना कि पैसों के मामले में हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए। मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। नहीं नहीं तुम मत आओ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? वो पैसे के लिए जिद कर रहा है। राकेश बिना, ठीक है तुम जाओ पर संभल के जाना, ख्याल रखना अपना। ओके परेशान हो रहे थे जैसे मैं तुम्हें पैसे देती नहीं। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो मुझे मालूम है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये रहे तुम्हारे पैसे और गिनते रहना, मैं चलती हूँ। ठीक है, खत्म हो जाएंगे तो फिर से फोन कर लो। क्या? लेकिन अरु मैं जानता तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि यहाँ आने में खतरा है, कोई देख लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम एक काम करना, किसी के हाथों भेज देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट?